तो नमस्कार, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं UPSC फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि इसका लगभग जो रिजल्ट है कब तक देखने को मिल सकता है और इसकी कट ऑफ वगैरह कितनी जा सकती है। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है रिजल्ट को लेकर। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। UPSC से संबंधित कोई भी अपडेट होगी आपको हमारे चैनल से सबसे पहले दी जाएगी। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उसके बाद हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थियों के मन में ज़्यादा प्रश्न उठ रहा है। तो साथियों, आपको बता दूंगा, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए अपने रिजल्ट को लेकर, क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी कहीं ना कहीं UPSC आयोग ने काफ़ी जो रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर कर रहा है। और जो आपका जो रिजल्ट का पूरा अनुमान है, ठीक है, मैंने पहले भी कहा था, एक आपके JEE 2018 का और फॉरेस्ट गार्ड का, इन दोनों का रिजल्ट ठीक आपको फरवरी में देखने को मिलेगा। मैंने कहा था फरवरी में देखने को मिलेगा। अगर हालांकि ये फरवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक तक बहुत कम चांसेस के आने के, लगभग आपको बता दूं यानी कि 20 तारीख के बाद कभी भी इसका रिजल्ट जारी हो सकता है। 20 तारीख पहले भी हो सकता है हालांकि, मगर 20 फरवरी के बाद इसका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट लगभग फरवरी के महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका फरवरी में जो इसका रिजल्ट आ गया तो फिर आपका जो फिजिकल है वो लगभग मार्च महीने में होना तय है, ठीक है, मार्च महीने में होना तय है, क्योंकि 20 से 25 दिन ही आपको जो फिजिकल में दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो लगभग आपको जवाब मिल ही चुका होगा। जो लगभग आपका रिजल्ट है फरवरी के महीने में देखने को मिल जाएगा, और 20 फरवरी के बाद भी आ सकता है, 1-2 दिन पहले भी आ सकता है, मगर फर्स्ट वीक में कोई अनुमान नहीं इसका रिजल्ट जारी होने का। अब हम बात करते हैं कट ऑफ को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं, ठीक है। तो लगभग आपको बता दूँ कट ऑफ इसकी ज़्यादा जाने वाली नहीं, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन इस वीडियो को उठाकर देखने का। अगर आपके जनरल कैटेगरी, आपकी अगर जनरल कैटेगरी में अगर आपके 122+ बन रहे हैं, ठीक है, 122+ बन रहे हैं, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इतने पर आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही हम बात करते हैं EWS की। EWS में अगर आपके 114+ बन रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि कोई कुछ भी कह रहा हो कि कट ऑफ इसकी इतनी जानी इतनी जानी, कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली है। और रिजल्ट के बारे में मैंने बता दिया, रिजल्ट आपका फरवरी के महीने में 20 तारीख तक या 20 से 1-2 दिन बाद आपको देखने को मिल जाएगा। अब यही बात करते हैं OBC की। OBC की जो लगभग कट ऑफ जा सकती है 119+ के लगभग इसकी OBC की कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। यही बात करते हैं हम SC की। SC की लगभग जो कट ऑफ है 108+ के करीब रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है, ठीक है। और फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं तो फ्रीडम फाइटर की लगभग आपको बता दूं 89+ रह सकती है। और यही हम ST की बात करते हैं तो लगभग 96+ रह सकती है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। और एक्स सर्विसमैन की हम बात करते हैं तो एक्स सर्विसमैन की लगभग कट ऑफ 90+ रह सकती है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और गर्ल्स की बात करते हैं, गर्ल्स की जो कट ऑफ है लगभग 95 रह सकती है। आपको बता दूँ यहाँ से 1-2 मार्क्स कम भी जा सकता है, मगर 95 गर्ल्स की कट ऑफ रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। जैसा कि मैंने कट ऑफ वगैरह के बारे में बताया, कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और यहीं पर हम फिजिकल की बात करते हैं, जितने फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 14 किलोमीटर 10 किलोमीटर का 4 घंटे में रनिंग होगी। और मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 25 किलोमीटर 10 किलोमीटर का 4 घंटे में, तो ये आसान काम नहीं होगा। और आपको बता दूँ जो जो कट ऑफ वगैरह बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, कट ऑफ कम बताइए आपने, मगर आपको बता दूँ पेपर कहीं ना कहीं टफ था, तो कट ऑफ इतनी ही जाने वाली है और इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। तो 20 से 25 दिन आपको फिजिकल में मिलने वाले हैं, तो लगभग आपकी जो प्रक्रिया है वो मार्च महीने में कंप्लीट हो सकती है, ठीक है, यानी कि सब कुछ सही रहा तो आपकी जो प्रक्रिया मार्च महीने में कंप्लीट हो सकती है। और जो रिजल्ट है आपको फरवरी में देखने को मिल जाएगा। 20 फरवरी के बाद कभी भी जारी हो सकता है, 1-2 दिन पहले भी आ सकता है, और 20 फरवरी में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। तो बस यही बताना था आपको, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। रिजल्ट आपका फरवरी में आएगा। कट ऑफ वगैरह बताइए, कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, कट ऑफ इतनी रहने वाली है। और फॉरेस्ट गार्ड की बहुत जल्द आपको खुशखबरी देखने को मिलेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले हमारे चैनल से दी जाएगी। तो धन्यवाद।